लाइक करो, लाइक करो, करो लाइक, करो लाइक सालो, जल्दी लाइक करो। So hello everybody and my yaro, this is your host Rocks and welcome back to another video of Rocks Esports. So guys, आपने सुन लिया ना रॉकी भाई ने क्या कहा है, तो सोच लो भाई रॉकी भाई ने कहा है लाइक करने को, नहीं करोगे तो सोच लो क्या होने वाला है आपके साथ। तो गाइस, एज यू नो 2021 फ्री फायर ईस्पोर्ट्स के लिए एक गोल्डन ईयर प्रूव हुआ। हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स देखे और इन टूर्नामेंट्स में से बहुत सारी अंडरडॉग टीम्स का निकल कर आना और अपने ईस्पोर्ट्स की दुनिया में नाम कमाना भी देखा। तो कुछ इसी से रिलेटेड हमारा आज का वीडियो होने वाला है, जो कि है टॉप इमर्जिंग टीम्स ऑफ 2021। तो देखो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ उन्हीं टीम्स का नाम लेने वाला हूं जो मेरे को जो लग रहा है जो टीम डिजर्व करती है इस लिस्ट में आना। और मेरे अलावा आपको क्या लगता है और कौन कौन सी टीम्स थी जो इस लिस्ट में आना डिजर्व करती थी, आपको कमेंट करके बताना ये चीज़। तो हमारे लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टीम्स के नेम मेंशन कर दे रहा हूं जिनका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था बट वो इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए, जैसे कि हमारी हेड हंटर्स हो गई, ट्रेन टू किल हो गई, NXT स्पोर्ट्स हो गई। मुझे पर्सनली लगा इन टीम्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बट क्या करें, हम सिर्फ तीन टीम्स को इस लिस्ट में ले सकते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो थर्ड नंबर पर टीम आती है वो है टीम देसी गेमर ईस्पोर्ट्स। में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये जो देसी गेमर ईस्पोर्ट्स की टीम है ये ऐसे कोई यूट्यूबर्स के दोस्त नहीं है। इन्होंने अपनी जर्नी एज एन अंडरडॉग स्टार्ट की थी देन विद द नेम ऑफ 4AM। उसके बाद इनकी किस्मत चमकी जब ये टीम SRV का हिस्सा बने, मतलब SRV की मेन लाइनअप का हिस्सा बने। उसके बाद आगे जाके ये टीम देसी गेमर ईस्पोर्ट्स कहलाने लगी, यानी कि हमारे अमित भाई की ऑफिशियल लाइनअप जिनके 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पर। उसके बाद इस टीम का परफॉर्मेंस, लोग इस टीम को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे बट इस टीम का परफॉर्मेंस हमें तब देखने को मिला जब ये FFIC में 4th पोजीशन पर आई, जिसके साथ साथ ये एशिया क्वालिफायर्स में क्वालिफाई भी हुई थी, जहाँ पर जाके उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और उसके बाद से लेके एक आज का दिन है, देसी गेमर ईस्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस अच्छा ही होते जा रहा है। सेकेंड नंबर पर जो हमारी टीम आती है वो है हमारी PVS गेमिंग। ये जो टीम है PVS गेमिंग, इसके पास साउथ में तो बहुत अच्छी खासी रिकॉग्निशन थी बट नेशनल लेवल पर इन्हें रिकॉग्निशन मिली जब इन्होंने FFIC के ग्रुप सीरीज और क्वालिफायर में पूरी टीम्स के सामने डोमिनेशन दिखाया। बट असली बवाल तो इन्होंने तब मचाया जब इन्होंने FFIC के फाइनल्स के पहले 4 मैच को कोई कैसे भूल सकता है। ये उन 4 मैचेस में ऐसे खेले जैसे कि ये रैंक मैच खेल रहे थे। अगर उनके वो 2 मैच बहुत ज़्यादा गंदे नहीं गए होते तो फिर आज ये हमारे FFIC के चैंपियंस रहते हैं। और जो ये टीम PVS गेमिंग है, इनकी खासियत इनका फायर पावर है, मतलब शायद ही कोई टीम होगी जो इनसे 4v4 बैटल में जीत पाएगी। और मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक कैसे किसी और ने इस टीम को हायर नहीं किया है। और वो FFIC के क्वालिफायर मैच को कोई कैसे भूल सकता है जहाँ उन्होंने C666 को धूल चटा दी थी। और जो हमारे लिस्ट पे नंबर 1 पे आते हैं, उनके पास जाने से पहले गाइस मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप में से 98% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस को डेली देखते बट सब्सक्राइब नहीं किए। भाई क्या कर रहे हो यार, 98, क्या मैं इतना बुरा हूँ यार। तो चलो वो सब छोड़ो, चलते हैं हमारी नंबर 1 टीम की तरफ, जो कि है हमारी गॉड लाइक यानी कि कैप्टन्स। गाइस इनकी शुरुआत अंडर द नेम ऑफ कैप्टन्स हुई थी। हमारे निवेश भाई की टीम के अंदर पोटेंशियल तो बहुत था बट इनकी किस्मत तब पलटी जब इन्होंने अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस के अंदर बदला, जिसके बाद उन्होंने फ्री फायर सिटी ओपन जीता। और फ्री फायर सिटी ओपन जीतने के बाद उन्हें हायर किया गया ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स की तरफ से। फिर उसके कुछ महीने बाद उन्होंने ज्वाइन की गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स, जो कि हमेशा से इंडिया के टॉप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। उसके बाद से एक आज का दिन है, जब भी कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है तो फिर गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स उसके टॉप कंटेंडर्स के लिस्ट में हमेशा आती है। तो बस गाइस इतना ही था आज के वीडियो में, होप करता हूँ आपको मेरा काम पसंद आया होगा। तो गाइस हाँ, जानता हूँ इस वीडियो में थोड़े से व्यूज़ कम आएंगे बट मुझे लगा कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो गाइस मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर ईस्पोर्ट्स रिलेटेड कॉन्टेंट। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।